जी हाँ, तो रिसेंटली एक पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ है अमित मिश्रा का, जिसमें उन्होंने बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें की हैं। जो मुझे लगता है पीछे हमेशा यही होता है, कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं और फिर सोशल मीडिया पर वही बातें चलती रहती हैं। उन्होंने इंटरव्यू वाले ने उसने पूछा है कि कुछ प्लेयर्स कहते हैं या कुछ प्लेयरों बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, गंगुली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा, लेकिन क्या वो इज्जत विराट कोहली की करते हैं? उन्होंने कहा नहीं। उसके बाद एक और सवाल हुआ मेरे ख्याल है, जिसमें उन्होंने कहा कि विराट कोहली चीकू से विराट कोहली, द विराट कोहली जब बना, कैप्टन बना, फेम मिला, तो वही विराट कोहली नज़र नहीं आया। ये क्वालिटी उसमें रोहित शर्मा में नहीं है, वो 17-20 साल से वैसे का वैसे ही है। अच्छा, उनका ये कहना था कि विराट कोहली को जब पावर मिला, उसको वो ये समझे लगे कि कोई भी आता है तो उनसे वो मतलब कोई पोजीशन के लिए आता है या कुछ मांगने के लिए आता है। देखें, मैं विराट कोहली को पर्सनली नहीं जानता, मैंने सिर्फ क्रिकेट पर देखा है, फील्ड पर देखा है, इंटरव्यू में देखे हैं उनको, लेकिन मुझे बंदा शानदार लगे। मैं पाकिस्तान से हूँ, एक भी ऐसी बात उसने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की है, कोई ऐसी बात कंट्रोवर्शियल उस बंदे ने नहीं की है कभी। किसी को कहते हैं ना, गंद फैलाना किसी के ऊपर या बुरी बात करना किसी के लिए, उसने नहीं की। कह सकते हैं उसके पास टेम्पर है, लेकिन बड़ा एक मिसअंडरस्टूड वाली पर्सनालिटी वाला है वो, लोग समझते नहीं हैं ऐसे बंदों को। और भाई बहुत सीधा लगते हैं मुझे तो, मुझे बड़ा सही लगा। मुझे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ना झलक नज़र आती है उसमें। वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैं स्पेन का रहने वाला हूँ, वो 9 साल जहाँ खेला है, लोग उसको बहुत मिसअंडरस्टूड करते हैं, क्योंकि वो क्लियर बोलता है, सामने बोलता है, पॉलिटिक्स नहीं करता। तो ऐसे बंदे सोसाइटी में अच्छे नहीं माना जाता उनको। यहाँ लोगों को पसंद है जो पॉलिटिक्स खेलता हो, जिसके बहुत ज़्यादा चेहरे हो, हंस के बोलता हो। ये बंदा भाई ना कर देता है मुंह पर, तो ऐसे पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड होते हैं। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये पर्सनालिटी जो मिसअंडरस्टूड रहते हैं, जो लोग इनको बुरा कहते हैं। मुझे तो भाई एक ग्राम भी बुराई उसमें नज़र नहीं आई। ऑन द फील्ड गाली गलौच करता है, वो होता है भाई, हम भी खेलते रहे हैं, हमने खेला है, गुस्सा आता है, अग्रेशन शो करते हैं, लेकिन उसके बाद पीछे मुझे तो ऐसी कोई नजर ही नहीं आई बात। विराट कोहली भाई कौन कह रहा है, अमित मिश्रा कह रहे हैं, सॉरी टू से, मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत फर्क है भाई। विराट कोहली तो पता नहीं कितने 80 सौ हैं, कितने सौ हैं उनके, कौन कह रहा है। हाय, लेजेंड है भाई विराट कोहली। तो ये ऐसा प्लेयर और ऐसा इंसान मुझे तो भाई पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है। वैसे मैंने अभी रीज़न आपको बता दिए, कोई भाई कोई उसका कंट्रोवर्शियल, अभी 20 सालों में उसने कुछ ऐसा काम किया हो आप बता दीजिए, किसी से फटा या कुछ ऐसी बात, या ठीक है उसका मसला हुआ कुंबले के साथ हुआ, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ गंगुली के साथ हुआ, उसको कैसे कैप्टन, मेरे ख्याल उसको क्लियर नहीं बताया गया क्या, या उसके साथ सियासत हुई। हमारे देशों में तो आपको पता है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या होता है, और जो लोग पावर में होते हैं क्या करते हैं, तो मुझे जो वो भी नहीं पता अंदर की बात क्या है, तो मैं कैसे जज कर सकता हूँ किसी बंदे। गौतम गंभीर आपको पता है वो कैसे करता है, उसके साथ फंडा हुआ है उसका। नवीन उल हक तक था, शाहिद अफरीदी के साथ मेरे ख्याल उस मैच में किसी के साथ हुआ था, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली की हमेशा गलती होती है। तो खैर, बस मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है विराट कोहली, ऐसा पर्सन भी, ऐसा प्लेयर भी बहुत अच्छा लगता है। 10/10।